नमस्कार, श्रुति साहित्य को आपण मानक स्वागत। श्रुति साहित्य रे आज शुणा सुप्रसिद्ध प्राबंधिक समालोचक चित्तरंजन दासंकर आत्मकथा मित्रस्य चक्षुषा। जणे मनीषर असल डोर हेउची तार परिवार बोध। सी जन्म हेबा बेळकु एक परिवार ही तालागी डोर गुड़ सजाड़ी अपेक्षा करी रही थाए। ताकु मोर करी पाइबा निमन्ते केते केते मनीष अपेक्षा करी रही थांती। आखिटीए पाई पृथ्वी को अनाइबा को समर्थ हेबा मात्र के ही माया लागिला कि जाउ थाए। सतकु सत आदो किछि हेले छाड़ू न थाए, केवल परिधिटा ही बढ़िबार लागि थाए। परिधिटा बढ़िले अनेक मनीष काहीकि छानिया हूँ के जानी, एवं जो मैंने माया को छिन्न भिन्न करी मायावादर गोटे सिद्धांत को मुंडरे मुंडाई बाजार को बाहरी जानती, से मैंने मनीषर मनीष सहित लगि रही डोर गुड़ को प्रकृत केत अल्प बुझती। निज भितर केउठारे असल डोरटी छिंडी जाए बा असल आखिटी हजि जाए बोली हुए तो से माने बाहर मध्य आदो किछि हेले जोड़ी पारंती नहीं। से जोड़ी न पारिबार एई असमर्थता को सिद्धांती माने अनेक समय रे वैराग्य बोली कहिथांती। भारतवर्षर गाँ मानंकरे परिवार रा गढ़नटा एका बेळके माटीटार गुणरु एपरिजे एठि एकुटिया लागिबाटा प्रकृतरे सतेबाक निषिद्ध व्यापार होई रहिथाय। आम निज घरटा ही आमको केबेहले एकुटिया न लागिबा पई सतक सत एक रक्षा कवच परी होइ रहिथिला। बापा बोउ बड़मा बड़ बापा आउ बोउ ता सहित आमे भाई माने मिसी छ जण एवं भौणी तीन जण। माया छाड़ी जिबार अथवा ए संसार को मिछ ओ माया बोली कहिबार कौनसी कारण नथिला। एटा आम घर सेटा तांको दांड, एटा आम बारी ओ सेटा तांको तोटा बोली कहिबार चलनटिए रहिथिला सिना। मात्र बाड़ थाई मध्य कौनसी बाड़ पड़ नथिला। अंततः पिलांक सकासे आदो केउठार हेले कौनसी बाड़ नथिला। निज घर भितर बाहरिले एत्ते बड़ दुआर, से दुआर कहारे नुहे एवं समस्तंकर। से दुआरे सबु घरर पिला माने एकाठी हुरमा हुवंती, समस्तंक पाई पंथेई खोला हुए, सबु झियंकर चांद पूजा हुए। से साहिटा भितरे गोटाए कहा घरे रज हेंस पड़े, बारिपट को गले पोखरी, सेटा साही जाकर घुआबण भी समस्तंकर। से बारियाड़े कोठी केतेटा पत्थर को भट अमलरु पड़ीथिबा जागारे आमे पिलामने लुचिकरी तास खेलुथिलु, मिछिमिछिका दुकान करथिलु अथवा मिछिमिछिका भात तुण रांधुथिलु। निस्तब्ध खराबेले साहिर अपा ओ भाउज माने कोठी का पिंडारे बसी कांजीपटा किंबा मागण खेळरे भी बसी जाउथिले। आड़ हेबा प्रबल थिला सत, मात्र किए काहाठारु केते दूर होई केते बेले निजकु नै अलगा कोनटी भाबिला भाबिबा विशेष संभव नथिला। दांडकु आसिबाकु हेले तुमको मेला बाट दे आसिबाकु पड़िबो। से मेलाटा समस्तंकर चाळरे गोटाए दीटा सवारी टंगा होइथिबो, जहा घरे बड़का मर्द माने अछंती ओ घरे जथेष्ट जागा नाही, से माने रातिरे मेलारे सोइबे। दांड को बाहरी डाहाण को गले दधिबावन ठाकुर मंदिर और बाड़े गले दोलमुंडे, सेठारे महादेव करंजेश्वर मंदिर, दोल ठाकुर बेदीटी मध्य सेठी, बहु लोकंर बसा उठार जगह, राति शोवा स्थान। से चौछकी रास्ता मान गाँवर विभिन्न साही को चली जाऊँगी। छकर असल संतकटा होशाल बरगछटी को पुरुषरु सेपरि विशाल होई छिड़ा होई। एबे गाँवर निम्न प्राथमिक स्कूलटी से जगार, डाकघर और युवक संघ भी सेठी। गाँवर जाति रही, पारंपरिक दूरता भी रही, तथापि वास्तव और सामूहिक जीवनर
नाना संबंध डोर रे समस्ते एपरी अभ्यस्त जे आपणा को अपर समस्त भिन्न बोली भावापी कौन से अवकाश ना। आर्थिक भोगवांछा एवं सामाजिक भावनार क्षेत्र में गाँवर मनीष मैने भारी अलग हो रही भावगत बहुस्तर तथा अवसर रे तथापि परस्पर सहित केते जोड़ी हो रही एथिरु एही कथाटीर सूचना मिल जाउछि जे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र गुड़िकर सर्वनिम्न आवश्यकता गुड़िक समस्त सकाशे उपलब्धि होइगले मध्य तथापि एक सहमतिर आवश्यकता अवश्य रही थिबो। जहार अभाव थिले जीवन तथापि भारी खंडिया परि अनुभूत हेउथिबो एवं सबकिछि संपूर्ण आखिदृश्या भावरे थाई मध्य मनीष मैने तथापि अलक्षणा हो रही थे। मुम गाँव रो समयटर कथा कहूँ सेतबेले गाँव रो बेस बहुत मनीष सहर रे जीविकार्जन करुथिले सिना मात्र सेमानकर जीवन रो असल नाटिका गुड़िक गाँव रही रही थिला। बाहाघर व्रतघर सबकि गाँव रे होउथिला। रजबा दशहरा को प्रवासी मैने समस्ते गाँव रे आसी ठूल हो जाउथिले। कटक बा बाहरे आउ केउठे पढ़ुथिबा पिला माने छुट्टी आसी गाँव रे थिएटर करुथिले। पर्व को गाँ को अर्थात घर को न आसी पारुथिले मन भितर भारी खेद रही जाउथिला। मोर जेतिक मने पड़ुछि सेतेबेले गाँव रो जणे केही आपणार चाकरी जगह कटक रे घर बनाइबे बोली जमी खंडे किणबार चिंता भी करनथिले। सेतेबेले भुवनेश्वर रे घर बनाइबार प्रश्न ही नथिला। आम गाँव पचास रु ऊर्ध घर से जमशेदपुर टाटा कारखाना सहित कर्मसंस्थान द्वारा जोड़ा हो रही थे। सेमु कई जन सेठे से जमशेदपुर को आम स्थानीय भाषा कालीमाटी कहला कई जणे सेठे घर कर रहा विषय कल्पना भी करन थिले। एक परिवार बोध गाँ को अभिषिक्त कर रखि एवं से ही बोधटी निज घर स्तर में आहुरी अधिक निबिड़ हो रही थिला। घरे बापा बो थिले जमीबाड़ी फसल अमल हो घर को आसुला घर को जथेष्ट चाउल कटक भी जाऊला साही जाकर पोखरी व्यतीत आम निज बारी भी पोखरीटाए थी जो थी कि आम पाने छुट्टी घर को आसवा समय मरा होता बापा बेढ़ी आम समस्ते एकाठी एका बेलके केतटा थाली और केतटा कंसारू जहाँ को आहार करूँ से क्षुधा जनित उदरपूर्ति अपेक्षा एक अवर्णनीय भावसंगति ही अनेक अधिक परिमाण रही थिला। सत्यवा एक सांस्कृतिक स्तर में उत्तोलित हो रही थिला। तथापि से ही घर आमको केवेहले बांधि रखा चेष्टा करन थिला। जाग्रत जीवन में अधिकांश समय आम सांगमल कटाई देउथुलु आदो कौन औपचारिकता न रखी आमे खाइबार समय हेले या त्या घर जाए खाई देउथुलु। घर लोके काहेकि घर को आसी खाइलु नाही बोली केबे हेले आपत्ति करू नथिले। हठात निष्पत्ति होई काहा घरे केउ दिन केतरा सांग मिसी भोजिटाए भी करि पकउथुलु। जहा घरे भोजि हेउथिला सेही घरर मा ओ खुड़ी माने देई ओ भाउज माने किपरि केडे स्वतप्रवृत्त भाबरे आम पई भोजी रांधि देउथिले सहजतार से ही सब अनुभव एक समग्र जीवन दृष्टि निर्माण रे किपरी मूलदुआ पर कार्य करछि से कथा को प्रमाण करी देखाई दिया जाई पारिबो नाही सेना तथापि अस्वीकार करी हेबो नाही। गाँटा जाकर केड़े स्वाभाविक भावरे एक चौबीस घंटिया परिवार बोध एवं निजर परिवार मध्यरे तहार प्रतिफलन हेबो ही हेबो। गोटे परिवार गोटे गाँ को प्रभावित करि पारिबो कि नाही से कथा कहीं बाजी रखी कही पारे ना मात्र गाँटीर नित्य प्रात्यहिक शरीर को बेढ़ कर रही जलवायुर छाप परिवार उपरे पड़ ही पड़ परिवार कहले जीवन एक अत्यावश्यक अंग रूपे विकसित हो आसुवा एक परिवार बोध को जे सबा आग बुझाइब गाँवर पिला हिसाब से आम को कहीं से कथा उपदेश दे आद शिखाई न आमे कौनसी शास्त्ररु मध्य से कथा पढ़ी जानी नथिलु। गाँवर आत्मिक गहणरे एपरी किछि रहिछि
ଯାହାକି ଆମକୁ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଣ କରି ଆଣିଥିଲା। ସତେ ହେବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଲିମ ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଣିଷମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ। ସାନ ଗାଁଟି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାହାର ସବୁକିଛିର ଆତଜାତ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ସେଇଥି ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା ଆଖିଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଗାଁଟିର ନିୟତି ଭିତରେ ହିଁ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲା କି? ସେ ଗାଁ ଆଜି କାହିଁକି ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବିଳାପ କରିନାହିଁ। ମାତ୍ର ପିଲାଦିନର ଗହଣ ପାତ୍ରରେ ପିଲାଦିନେ ମୋ ଗାଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକୃପଣ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ଭରି ଦେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯାବତୀୟ ସଂସାର ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ବଣିଜରେ ତାହା ହିଁ ଯେ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହିମ୍ମତ ଦେଇଛି, ସେ କଥା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ମୋର ସମସ୍ତ ଜୀବନଟା ସତେ ବା ସେଇ ସ୍ୱୀକୃତିର ହିଁ ଏକ ସନ୍ତକ ରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଆସିଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଆମେ ମିତ୍ରସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।